Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Amiz Khan Vlogs। और आज का हमारा वीडियो है वो कुकिंग वीडियो है। हम बनाने वाले हैं डोसे के साथ बनने वाली भाजी और उसकी चटनी। चलिए तो देखते हैं कि ये रेसिपी में हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। यहाँ पे हमने ले लिए है 5 ग्रीन चिलीज़, 8 to 10 हमने ले लिए है लहसुन की कलियाँ, 10 से 12 कड़ी पत्ते हमने लिए है कोरिएंडर फॉर गार्निशिंग, और यहाँ पे हमने ले लिए है 6 मीडियम साइज़ के पोटैटोस, 1 हमने लिया है लार्ज ऑनियन, 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा और राई, 1/2 टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। सो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से चॉप करना है, और ये जो भाजी है ये बटाटे को बिना बॉईल करे भी बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। आपका एक स्टेप कम हो जाता है पोटैटो बॉईल करने का। सो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए, मैंने इसे सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, ऑनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, इन सबको हमने चॉप कर लिया है। पोटैटोज़ को भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में रफली चॉप कर लिया है। और ये देखिए, हमारे डोसे का जो बैटर है वो भी रेडी है। और यहाँ पर मैंने रख दिया है एक पैन हीट होने के लिए, उसमें मैंने अभी ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें लगा देंगे हमारा जो है तड़का। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फर्स्ट जो है हमारे लहसुन, अभी जाएगा इसमें कड़ी पत्ता, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे राई और ज़ीरा को। इन सबको अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ग्रीन चिलीज एंड ऑनियंस। यहाँ पे हमने ऑनियन्स एंड ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दी है। ऑनियन जो है हमें इसे एकदम कुक नहीं करना है, हल्का सा इसका सिर्फ कलर चेंज होकर पिंक हो जाएगा तो हमें हमारे पोटैटोज ऐड कर देने हैं। ये देखिए, हमने ऑनियंस को ज़्यादा कुक नहीं किया है, और इस स्टेज पे अभी मैं ऐड कर दूंगी हमारे जो पोटैटोज़ है, और उसके साथ मैंने ऐड कर दिया है 1 कप जितना पानी, या आप पोटैटो के लेवल पे भी पानी ऐड कर सकते हैं। और फिर अभी हम ऐड कर देंगे हमारी टर्मरिक और सॉल्ट को। इन सबको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यस, अभी इसको हम स्लो फ्लेम पे ढक के कुक करेंगे फॉर 10 मिनट्स। ये देखिए, अभी मैं इसे चेक करने लगी हूँ तो अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। और साथ ही साथ आप पोटैटोस को चेक करते जाए कि ये गले है या नहीं गला है। सो मैंने इसे अभी लिड लगाकर और कुक करने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ हम कर रहे हैं हमारी चटनी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 वाटी नारियल, और यहाँ पर लिए हमने 3 से 4 हरी मिर्ची कट करके, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी इमली है, सॉल्ट है एज़ पर योर टेस्ट, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, और थोड़ी सी कोथमीर हमने ली है, 3 टेबलस्पून हमने लिया है पीनट, और 3 टेबलस्पून हमने लिया है ये रोस्टेड चना।
या फुटाना जो भी इसे बोलते हैं। और तड़के के लिए हमने लिए है राई हाफ टी स्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून, और साथ में हमने लिए है सूखी दो लाल मिर्चें और कड़ी पत्ते 8-10 तड़के के लिए। सो इतनी ही चीज़ों से ये बन जाएगा। साथ ही साथ अभी देखिए मैं हमारे भाजी की तरफ भी नज़र है तो ये भी हम चेक कर रहे हैं, और अभी मैं चेक कर रही हूँ कि पटेटो गला है या नहीं गला है। सो हमारा पटेटो इस स्टेज पे गल चुका है। सो अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसे ना पाव भाजी मैशर जो आता है उससे हम इसको मैश कर लेंगे रफली, एकदम ज़्यादा भी नहीं। एंड ये आपकी जो भाजी है ये रेडी है, ये बिल्कुल वैसे ही लगती है, वैसा ही उसका दिखने में वैसे ही लगती है जैसे डोसा भाजी होती है। अभी मैं ऐड कर रही कोरिएंडर फॉर गार्निशिंग, एंड ये ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, एंड ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। सो ये मैंने चटनी का जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने पीस लिए हैं सारे। और यहाँ पे अभी हम गैस को ऑन करके अभी हम इसको दे देंगे तड़का। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल जैसे ही हीट हो जाएगा हम ये हमारी सारी तड़के की चीज़ें डाल देंगे, राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्ची। और ये जैसे ही क्रैकल होने लगेगी तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और हमारी जो चटनी जो हमने ग्राइंड करके रखी थी वो इसमें हम अभी ऐड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी डोसे की चटनी भी रेडी। तो यहाँ पे मैं अभी एक डोसा बना रही हूँ। डोसे की रेसिपी मैंने, बैटर की रेसिपी मैंने इसमें शेयर नहीं की है। हमारा थिन एंड क्रिस्पी डोसा रेडी है, और अभी हम इसको सर्व कर लेंगे विद चटनी, हमारी भाजी और डोसे के साथ। होप सो कि आपको हमारी यह सिंपल और इजी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और हम आपके लिए फ्यूचर में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।